आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? फिर से सुने, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? फिर से सुने, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय कहाँ खोला है? रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय कहाँ खोला है? यह हो जाएगा इम्फाल। हो जाएगा इम्फाल। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? फिर से सुने, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? फिर से सुने, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? ये हो जाएगा 1950। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? फिर से सुने, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखते हैं फिर से, भारत के आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। धरती का एयर कंडीशन क्या है? धरती का एयर कंडीशन क्या है? यह हो जाएगा अर्कटांटिक प्रदेश। यह हो जाएगा अर्कटांटिक प्रदेश। देखते हैं पर अगला क्वेश्चन। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? फिर से सुनिए, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? यह हो जाएगा H1N1। यह हो जाएगा H1N1। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।